हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गया हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, वो क्या है गैस करो। जी हाँ, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जल्दी जाके फॉलो कीजिए और उसके बाद लौट के मेरे ब्लॉग देखिए आके। तो आज ऐसा है, आज मैं आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूँ। तो पीछे बाबा जी आ रहे हैं, प्रदीप सिंह जी, सो सभी वाहेगुरु लिख दो। तो अभी हम मैं अपने रूम में हूँ और मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ घूमने, और देन हम ऐसे ब्लॉग बनाते हैं बोलते बोलते। तो आज का ब्लॉग क्या है वो बताने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। और सॉरी, हमारे 3 दिन से ब्लॉग नहीं आए क्योंकि हरमन गया है अपने घर, उसके घर पर थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। सो वो जब आएगा ब्लॉग्स आएंगे, और काफ़ी सोच के रखे थे मैंने ब्लॉग्स जो कि अभी नहीं बन पा रहे। तो मैंने सोचा मैं फ्री हूँ तो आज मैं ब्लॉग बना लूँ और आप सबके साथ मिलके बातें करते हैं, ठीक है। तो चलो पहले हम क्या करें, बाहर जाएं या ना जाएं, मुझे देख लेने दो बाहर कैसा व्यू है, देखें यहाँ से। ओह माय गॉड, बाहर अच्छा व्यू है लेकिन ठंड हो गई। आई थिंक आज कल बारिश हुई थी। सो रहने देते हैं, यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ कैमरा और आपके साथ करते हैं बातें। तो मैंने फाइनली सोचा नीचे चलता हूँ, नीचे जाके व्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि स्प्रिंग है ना, आपको पता है, तो काफ़ी फूल वगैरह आ रहे हैं बाहर और काफ़ी अच्छा व्यू हो रहा है कैनेडा का। तो अभी मैंने सोना है, तो सोने से पहले सोचा ब्लॉग बना लूं और चलो थोड़ा चलते हैं बाहर। लोग काफ़ी हैं, बट यू नो आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन, बट लेट्स सी। ओके, सो हम बाहर आ चुके हैं एंड गाइस यू कैन सी, देखो ग्रीनरी ग्रीनरी हो चुकी है हमारे घर पे। एंड अब ये क्या चला दिया पीछे, बाप रे। तो हम साइड पे हो जाते हैं थोड़ा। गाइस देखो फूल कितने अच्छे अच्छे आए हैं, है ना। ये देखो बाहर का व्यू, ज्यादा हम छोटे थे ये उड़ाते थे, ये उड़ जाते हैं ना, ये फूल है जो उसको पकड़ता हूँ, एक को देखो उड़ गया, है ना। इसको हम बोलते थे माई बुड्ढी पंजाबी में, हिंदी मुझे पता नहीं क्या बोलते होंगे। और गाइस मेरा रंग काला ही आ रहा है, पता नहीं क्यों मैं बदसूरत होता जा रहा हूँ। लोग कनाडा के सुंदर होते हैं, मैं बदसूरत हो रहा हूँ। इस बार, पिछली बार सुंदर हो गया था मैं इस बार द रिंकल्स, पिंपल्स, फाइन लाइन्स और क्या था, डार्क सर्कल्स, और रंग भी काला हो गया। आज मैं बातें करूंगा लाइक मेरे और राजू के रिलेशन के बारे में। काफ़ी लोगों को अभी भी डाउट्स हैं कि मैं और राजू कौन है, और वो काफ़ी कमेंट्स मैं देखता हूँ रोज़ ही आते हैं। पता नहीं, मैंने 2-3 ब्लॉग्स तो बना दिए होंगे कि क्या लगते हैं मेरे वो। सो दिस इज लास्ट टाइम दैट आई एम टेलिंग यू गाइस। और ऐसा है कि मुझे बताते भी हंसी आ रही है क्योंकि मैं थक चुका हूँ वही बात बोल बोल के। सो अभी लास्ट टाइम बोल देता हूँ एक बार कि हमारा क्या रिलेशन है और कैसे बना, सो एंड ऑल, ठीक है। तो राजू और मैं बचपन से जानते हैं, अब मुझे ये लाइन्स रटी है पूरी। वो मेरे घर आते थे, ठीक है, छोटे होते उनके मम्मा मेरे घर, हमारे घर पे काम करते थे, और राजू आने लगी घर पे और हमारा प्यार बढ़ना शुरू हो गया, दूसरे वाला नहीं, बहन भाई वाला प्यार। एंड हम काफ़ी अच्छे हमारे रिलेशन्स बन गए, पूरी फैमिली के साथ बन गए। मेरी फैमिली बहुत प्यार करती थी, उनकी फैमिली भी हमारी फैमिली से बहुत प्यार करती थी, और ऐसे हम खेलते थे। राजू दीदी मेरे से बड़े हैं काफ़ी, आई थिंक 10-12 साल तो बड़े होंगे ही। और जब हमारे घर में आते थे तब हम छोटे छोटे थे, तो वो बड़ी थी, एंड तब हम खेलते थे, बहुत बहुत कुछ खेलते थे। हमारी पार्टनर थी छोटे होते, है ना, खेलने वाली, और उसने हमें काफ़ी कुछ सिखाया। और मुझे एक बात
अभी भी याद है कि हमारे घर पे ना, जैसे हम सिख फैमिली से हैं, तो हमारे वो होती है ना कनक जीरी बोलते हैं जिसको हिंदी में, शायद जीरी पता नहीं किसको बोलते, कनक कनक जिसका आटा बनता है हिंदी, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो होती थी। तो जब उसकी कटाई होती थी ना, तो घर पे ट्रालियाँ भर के पड़ी होती थी। तो उस सीज़न में ना कुल्फ़ी वाले आते थे भाई लोग हमारे घर के आसपास। तो राजू राजू के पास है ना, होते नहीं थे पैसे, चलो उसको मम्मा नहीं देते थे उसको पैसे, तब छोटे होते, छोटे तो किसी कोई भी माँ बाबा ना इतनी इजीली नहीं देते थे पैसे अपने बच्चों को, और बच्चे जिद करते थे। तो राजू ने ना सिट्टे चुक के उससे वो निकाल के लाठी से कनक, और उसके पैकेट में डाल के कुल्फी वाले को देखकर कुल्फी लेती थी, है ना। तो हम भी वैसा सेम करने लगे, इवन कि हमारे घर में ट्राली भरी पड़ी होती थी कनक की, और हमने वहाँ से नहीं उठानी, हमने मेहनत करके वो है ना फिर लेते थे वो, तो वो स्वाद आता था मेहनत करके खाने का। ऐसा करके बहुत इंजॉय किया, कोई बहुत बातें याद हैं, अब एक एक बताने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो कई बार कुछ चीज़ें ज़्यादा याद आ जाती हैं, और बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा हमारे लाइफ का टाइम था वो, हमने इतना इंजॉय किया, इतना इंजॉय किया। और उसके बाद राजू की शादी हो गई है ना, तो शादी हो गई तो हमारे लिंक्स मतलब इतने नहीं खास रहे, क्योंकि हमारे किसी के साथ भी राजू की इतनी बात नहीं होती थी, मोबाइल नहीं था उसके पास, उसके हस्बैंड के पास कभी, मैंने उसका हस्बैंड भी नहीं देखा था शादी पे, मैं नहीं गया। तो देन राजू आती थी, मिलके चली जाती थी, ऐसे सालों बाद आना मिलके चली जाना, और इतने खास रिलेशन नहीं रहे थे बाद में, लाइक हम बड़े होना स्टार्ट हो गए और वो भी बड़ी हो गई थी, उसकी शादी हो गई थी, है ना। तो इतना इतना कुछ नहीं था ऐसे बोलूँ आपको बाद में। लेकिन जब वो आई 2018 में आई थी शायद हमारे घर पे, या 17 को मुझे याद नहीं है। और जब वो आई तो मैंने ऐसे, मैं तब टिकटॉक करता था, तो मैंने उसके साथ वीडियो बना दी एक, और ऐसे जस्ट रैंडमली डाल दी। हालांकि मैं टिकटॉक पहले ही बनाता था, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया रब के बंदे, और उस वीडियो को इतने लाइक्स, इतना प्यार मिला, इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए, इतने ज़्यादा कोई हिसाब नहीं, और पता नहीं चला पॉजिटिव धीरे धीरे नेगेटिव कमेंट्स आने लगे जब मैं हमें फेम मिलना स्टार्ट हो गया, है ना। सो चलो वो बात छोड़ो। और उसके बाद राजू को अच्छा लगा, उसने मेरे साथ वीडियोस बनाना कंटिन्यू कर दिया। वैसे हम उसको राजू बोलते हैं, लेकिन उसका नाम राजू दीदी पड़ गया, क्योंकि मुझे लोगों के सामने राजू दीदी बोलता था मैं, है ना, क्योंकि बड़े हैं वैसे हम बचपन से, है ना, तो राजू राजू कर ऐसे बोलते थे हम, और काफ़ी अच्छा था। फिर बाद में वो रोजाना आने लगी, और उसको अच्छा लगता था वीडियोस करके मेरे साथ, उसने खुद बोलना पढ़ना सेल्फ वीडियो बनाए, रेडी होके आ जाती थी, है ना, रोज हर रोज। तो ऐसे कर करके हम जब डेली ब्लॉगिंग बोल रहा हूँ मैं, डेली वीडियोस करते तो हमारा है ना थोड़ी अट्रैक्शन बढ़ गई एक दूसरे दूसरे के साथ, और हमारा अच्छा बहन भाई वाला प्यार बन पड़ गया। गाइस तो मुझे ये अंकल डिस्टर्ब करने आ गए हैं, घास उतरने वाले, तो ऊपर चलता हूँ। तो गाइस उस अंकल ने आके मेरा सारा फ्लो तोड़ दिया, घास की पड़ी है उसको काटने की इतना अच्छा बोल रहा था ना, तो मैं भूल भी गया हूँ मैं कहाँ पे था और क्या बात कर रहा था। तो अभी देखिए मेरा स्ट्रगल, मैं कहाँ पे आपसे बात करने आया हूँ, रूम सारे बैठे हैं सभी लोग, तो मैं वॉशरूम आया हूँ आपसे बात करने, ब्लॉग बनाने, देखो क्या क्या करना पड़ता है तो ऐसे करके ठीक है, राजू के साथ हमारा आगे बढ़ता गया, और अब मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, इतनी अच्छी है मेरे लिए, बहुत लकी है राजू है जो किस्मत वाली है, मेरी किस्मत में आई और मेरी किस्मत पूरी खुल गई। तो या एंड मेरे साथ हमेशा रहेगी, इसका मैं उसको आप सभी को प्रॉमिस करता हूँ, उसके लिए मैं जितना हो सके उतना करूँगा। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है राजू के लिए, शी इज़ लाइक माई मोर देन सिस्टर, एंड मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, भाई बहन वाला। और जो लोग गलत बोलते हैं बोली जाए, बिकॉज हम वीडियोस करते हैं, हमें हमें सॉन्ग्स नहीं मैटर करते, हमें मैटर करता है एक्ट करना, ठीक है। तो अच्छा लगता है वीडियोस करके, हमने आप बोलते हो गाने कैसे लगाते हैं, हमने कभी सोचा नहीं इतना, है ना, इसमें क्या गाना है यार, फिर क्या हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो गाने पे वीडियो बनाते हैं वो सच्ची होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे आप अगर आप अगर आपको दिक्कत है गानों से, तो आप हमें फ्रेंड फ्रेंड समझ सकते हो, है ना। तो बहन तो मैं उसको बोलता ही हूँ,
अगर आपको दिक्कत है तो हम आप फ्रेंड भी समझ सकते हो, फ्रेंड्स तो बनाए सकते हैं ना वीडियोस गानों पे। सो चलो छोड़ो, और आपसे क्या बात करें, आपको हो गया ना क्लियर है राजू का। सो यही था सब, और आगे जो भी पूछना होगा आपको कमेंट्स कर देना, क्वेश्चंस आपके मैं हो सके तो आगे जाके आंसर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, एंड हाँ मैंने सिंपल वर्ड्स में बता दिया क्या राजू क्या लगती है यार, इसको स्ट्रेच नहीं किया, छोटे से बस समझा दिया कि क्या सीन था और क्या नहीं। और राजू मैरिड है सच, वो बता दो जिनको नहीं पता, उनके हस्बैंड हैं, उनके 3 बच्चे हैं, शायद आपने देखे होंगे पिछले ब्लॉग्स में, अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो जो पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे जरूर देखना, सारे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ब्लॉग्स के थ्रू काफ़ी लोगों को पता चला है कि हमारा रिलेशन क्या है, और ब्लॉग्स में हमें काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं रदर देन हमारी वीडियोस से, और अच्छा लगता है। हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे और वीडियोस करते रहेंगे, चाहे मैं इधर हूँ वो उधर है, लेकिन स्टिल हम अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं अब तक आपसे जुड़े रहने की, और होपफुली आपसे जुड़े रहें अगर आपका प्यार मिलता रहेगा, है ना। तो ठीक है गाइस, बाहर निकल के बात करते हैं, मेरी सांस भूल रही है। गाइस बाय बाय, मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। आई थिंक राजू का व्लॉग आएगा नया, मैंने इसलिए डाला क्योंकि कोई व्लॉग नहीं था, और आप सोच रहे होंगे कहाँ चले गए, मरमुर तो नहीं गए। तो अब मुझे घर से डांट पड़ेगी, मैंने ये बोला शब्द। तो ठीक है गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू, अपना ध्यान रखना, और ऐसे खुश रहो और हमें भी खुश रखो अपना प्यार देते हुए। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।